जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं भंवर सिंह भाटी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल भंसा नॉलेज। आज हम एक ऐसे वीर के बारे में जानने वाले हैं जिसने दोस्ती की तो उस दोस्ती को मरते दम तक निभाया और जिसे दुश्मन की तलवार कभी मार न सकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान वीर, पराक्रमी योद्धा, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीर शिरोमणि की शौर्य गाथा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहीं कहीं 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर और उनकी पत्नी कर्पूर देवी के घर गुजरात में हुआ और पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार 1 जून 1163 में पाटन पतन में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। मात्र 13 साल की उम्र में पिता की मृत्यु होने पर पृथ्वीराज को अजमेर के राजगढ़ का राजा बनाया गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिना हथियार के एक बार शेर को मार गिराया था, जिससे प्रभावित होकर उनके नाना अरिंदपाल ने उन्हें दिल्ली का शासक नियुक्त किया। उन्होंने दिल्ली में राय पिथौरा दुर्ग का निर्माण करवाया और मात्र 13 साल की ही उम्र में भीमदेव को मार गिराया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें 300 हाथी और 3 लाख से अधिक सैनिक थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस क्षण की, जिस क्षण के कारण पृथ्वीराज चौहान हर बच्चे बच्चे के दिल में अमर हो गए। अपने जीवन काल में पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध लड़े, लेकिन गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के साथ जो युद्ध हुए वो इतिहास में लिख दिए गए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच 18 युद्ध हुए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया। श्री क्षत्रिय संघ के साहित्य हमारी ऐतिहासिक भूले में पृथ्वीराज चौहान के इस कार्य को हमारे इतिहास की सबसे बड़ी भूल बताया गया है, क्योंकि मोहम्मद गौरी पूरे भारत का दुश्मन था, सामाजिक दुश्मन था, जिसे छोड़ना पृथ्वीराज चौहान की भूल थी। यही भूल 18वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सामने आई, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर हमला किया और मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। फिर मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ गजनी ले गया और वहाँ पर गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी और कई क्रूर यातनाएं दी। ये सब पृथ्वीराज चौहान के अजीज मित्र और राजकवि चंद्रवरदाई जी से नहीं देखा गया। चंद्रवरदाई जी उसी क्षण गजनी चले गए और मोहम्मद गौरी से मिले, लेकिन मोहम्मद गौरी जैसे क्रूर शासक ने चंद्रवरदाई जी को जेल में डाल दिया और जेल में ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई जी ने मोहम्मद गौरी को मारने का प्लान बनाया। ये योजना कुछ इस प्रकार थी कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थी। इसी का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई जी से कहा कि तुम एक दोहे के रूप में मुझे गौरी की जगह बताना और मैं गौरी को वहीं पर समाप्त कर दूंगा। इसीलिए चंद्रवरदाई जी से मोहम्मद गौरी से मिलने की आशंका जताई और उन्हें गौरी से मिलने दिया गया। गौरी से मिलने पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की तारीफ की और कहा कि वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है और उनकी प्रदर्शनी रखी जाए। गौरी मान गया और उन्हें कहा कि कल भरी सभा में उनके बाण चलाने की प्रतियोगिता रखी जाएगी। पृथ्वीराज चौहान पहुँचे और चंद्रवरदाई जी ने बोला, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की जगह भाप ली और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया जो कि सीधा गौरी के कंठ पर जाके लगा और गौरी वहीं ढेर हो गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई जी ने एक दूसरे की छुरा घोंप के हत्या कर ली, क्योंकि वो दुश्मन के हाथों मरना नहीं चाहते थे। अफगानिस्तानियों ने जीते जी पृथ्वीराज चौहान जी को कई यातनाएं दी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी समाधि जो कि 800 सालों से वहीं थी, उनकी समाधि पर वो पेशाब करते थे और जूते मारते थे। लेकिन 800 साल बाद हिंदुस्तान के शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान जाकर राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां ली और वो लेके ससलामत हिंदुस्तान लौटे।
गौर से सुनिएगा कि वीरों का स्वाभिमान था, हिंदुओं का अभिमान था। वीरों का स्वाभिमान था, हिंदुओं का अभिमान था। शब्द भेदी बाण का ज्ञान जिसे, वो पृथ्वीराज चौहान था, वो पृथ्वीराज चौहान था। धन्यवाद साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं और भविष्य में ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।